Hello students, today we will discuss the topic diffraction at a straight edge. एक straight edge से diffraction कैसे होता है वो हम आज पढ़ेंगे. ओके, तो उसका figure ये बना हुआ है. And to show the diffraction effect of a straight edge, diffraction effect, straight edge के diffraction effect को show करने के लिए क्या करना पड़ेगा. अ लाइट, द लाइट फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस, ओके, इज पास थ्रू अ नैरो स्लिट. दिस एस, ये एस सोर्स है, इससे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है पास होती है थ्रू अ नैरो स्लिट. इस नैरो स्लिट, ये जो पतली सी स्लिट है यहाँ से पास होती है स्लिट, जिसको कि हमने नाम दिया है ए बी. ओके, ए बी स्लिट से ये पास होती है. एंड अ शार्प एज ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टिकल लाइक ब्लेड, ठीक है. तो और एक शार्प एज, जिसको कि एक ओपेक ऑब्स्टिकल का शार्प एज ले लें, जैसे कि ब्लेड, ब्लेड होती है जैसे घर में, ठीक है. तो ब्लेड को अगर हम प्लेस कर दें इसके पाथ में, लाइट रे के पाथ में, अगर हम इस ब्लेड को जो है वो प्लेस कर दें, ठीक है, तो तब हम जो डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज जो है वो हम देख सकते हैं. तो ये फिगर में आपको इस तरीके से ये दिखाया गया है, ये स्लिट है और ये एक शार्प एज, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ब्लेड होता है जैसे, तो ऑब्स्टिकल ऑफ शार्प स्ट्रेट एज ये है, ठीक है. सो द स्लिट ओपेक ऑब्स्टिकल एंड स्क्रीन पी डैश पी डबल डैश आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, स्लिट हो गया आपके पास, ओपेक ऑब्स्टेकल हो गया एंड स्क्रीन पी डैश पी डबल डैश, ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर हैं वो प्लेन ऑफ द पेपर के. द शार्प एज इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द लाइन जॉइनिंग द स्लिट टू द एज ओ, दिस इज ओ, ओके, दिस इज ओ. सो द स्लिट, the sharp edge is placed in such a way that the line joining the slit to edge O, this, when reproduced, made the screen at P, and OP is normal to the screen. जो OP है वो normal है screen की, ठीक है. ये point यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, ये O है, ठीक है. This point is O, okay. So in the absence of diffraction of light due to sharp straight edge, there should be a uniform illumination above point P. This point P के अब जो है, जब हम sharp straight edge का की वजह से जो diffraction है अगर वो ना हो तो एक uniform illumination होगा इस point P के अब, ठीक है, और complete darkness होगी इस point P के below. ओके, यहाँ जो है वो क्या होगा, कंप्लीट एलिमिनेशन, और इस पॉइंट पी के नीचे जो है कंप्लीट डार्कनेस होगी. ओके, बट एज वी मूव टूवर्ड्स दी पी डैश, जैसे जैसे हम पी डैश की पास जाते हैं, यानी कि जो है एक्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अनइक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर ऑब्टेंड नियर पी. तो यहाँ पी के नियर जो है अनइक्वली स्पेस्ड ब्राइट और डार्क बैंड्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं आपको, ठीक है. और फर्दर हम जब पी डैश के टूवर्ड्स जो है वो हम बढ़ते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो इंटेंसिटी जो होती है वो एक स्टेडी वैल्यू आई नॉट को ऑब्टेन कर लेती है, ठीक है. एंड इसकी वजह से ये जो इंटेंसिटी है, जो स्टेडी वैल्यू मिली इंटेंसिटी की, इसकी वजह से एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलता है. ओके, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, एंड बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन इफेक्ट द लाइट एंटर्स टू अ सर्टेन डिस्टेंस बिलो पी टूवर्ड्स पी डबल डैश. डिफ्रैक्शन इफेक्ट के कारण क्या होता है, लाइट जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस पी के बिलो, यानी कि पी डैश की तरफ जो है वो लाइट एंटर करती है और एक ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन हमें मिलता है. ओके, सो
इन दिस रीजन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस रीजन में क्या होता है, जो हम पी डैश डबल डैश की तरफ बढ़ते हैं जब, तो ये जो हमें ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन मिल रहा है, इस रीजन में होता क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस टू जीरो. इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, दैट विल डिक्रीज टू जीरो. ठीक है, इसकी इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, वो क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है, जैसे जैसे हम पी डबल डैश की तरफ बढ़ते हैं. एंड इट इज, इट डज वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी होती है. ठीक है, विदाउट फॉर्मिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा इन अ स्मॉल बट फाइनाइट डिस्टेंस एज शोन इन द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ द फिगर. जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, इस तरीके से जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे जो है इंटेंसिटी इंटेंसिटी जो है रैपिडली डिक्रीजेस टू जीरो विदाउट फॉर्मिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, बट फाइनाइट डिस्टेंस पे. ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें शो कर रहा है. ठीक है, सो इफ द एवरेज इंटेंसिटी इज आई नॉट, अगर हम मान लें कि एवरेज इंटेंसिटी जो है वो कितनी है, आई नॉट है, तो इस पॉइंट पी पे जो जो ये पॉइंट पी है, कौन सा पॉइंट पी है, ये स्क्रीन पे है, ये पॉइंट पी, यहाँ ये पॉइंट पी. ठीक है, इस पॉइंट पी को हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो है वो कैसे शो किया हुआ है, यहाँ ये वो स्क्रीन वर्सेस इंटेंसिटी है. ठीक है, तो स्क्रीन के इस पॉइंट पी पे जो आई नॉट की जो एवरेज इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, यानी कि जो एवरेज इंटेंसिटी आई नॉट है, दैट रिड्यूसेस टू आई नॉट बाई फोर, वो आई नॉट बाई फोर से रिड्यूस हो जाती है. ओके, सो दिस ऑल इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाई द शार्प एच, शार्प स्ट्रेट एच. ठीक है, तो ये सब जो है किसकी वजह से हुआ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द शार्प स्ट्रेट एज. तो ये हमने इसमें पढ़ा कि एक स्ट्रेट एज से जो है डिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है. ठीक है, शार्प स्ट्रेट एज से जो डिफ्रैक्शन होता है लाइट का, वो कैसे होता है, उसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो कैसा होगा, कैसा मिलेगा हमें. ठीक है, ओके, अब इसकी जो थ्योरेटिकल एनालिसिस है हम उसको देखेंगे कि थ्योरेटिकल एनालिसिस क्या होती है. ओके, सो फिगर फर्स्ट में देख लो आप, जो फिगर फर्स्ट है, आपके फिगर फर्स्ट ये है और फिगर जो सेकंड है वो ये वाला है. ठीक है, ये वाला मैंने डिनोट किया फिगर सेकंड. तो फिगर फर्स्ट में देखेंगे आप, फिगर फर्स्ट, दिस फिगर, यस, इस फिगर में देखेंगे हमें क्या करना है, वी वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट एट एनी पॉइंट से पी डैश. हमें इस, सपोज हमें इस पॉइंट पी डैश पे जो है हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है. ठीक है, स्क्रीन पे पी डैश कोई पॉइंट है जिसपे कि हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. तो इसका जो पोल होगा, पोल ऑफ द वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है वाई वाई डबल डैश. ठीक है, वाई वाई डैश, सॉरी वाई वाई डैश. तो वाई वाई डैश जो वेव फ्रंट है, इसका जो पोल होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पी डैश पॉइंट, इट विल बी ओ डैश. तो इसका जो पोल होगा वो क्या होगा, ओ डैश होगा. ठीक है, एंड विद पी डैश एज सेंटर, इफ वी ड्रॉ द सर्कल्स ऑफ रेडियाई, अगर हम पी डैश को सेंटर मानते हुए क्या करें, हम सर्कल्स ड्रॉ करें जिन सर्कल्स की रेडियाई जो है वो क्या है, ओ डैश पी डैश प्लस लैम्डा बाई टू, ओ डैश पी डैश प्लस टू लैम्डा बाई टू, ऐसे ही ओ डैश पी डैश प्लस थ्री लैम्डा बाई टू एंड सो ऑन. ठीक है, तो देन क्या होगा, द वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू हाफ पीरियड स्ट्रिप्स. तो जो ये वेव फ्रंट है ये डिवाइड हो जाएगी हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में. हाफ पीरियड स्ट्रिप्स क्या हुई, ये हाफ पीरियड जोन्स जो है. ठीक है, ये एक जोन है हाफ पीरियड जोन, ये सेकंड जोन है हाफ पीरियड जोन. तो हमें कैसे, हमें क्या मिलेंगी, केवल एक स्ट्रिप्स मिलेंगी इनकी, इस तरीके से स्ट्रिप्स मिलेंगी. ओके, तो हाफ पीरियड स्ट्रिप्स मिलेंगी हमें, वेव फ्रंट जो है वो हमें हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में डिवाइडेड मिलेगा. ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट P डैश के लिए द वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इन टू सिमिलर पार्ट्स, द वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इन टू सिमिलर पार्ट्स। एक तो क्या है जो कि इस पॉइंट O डैश के अबव होगा, ठीक है, और एक क्या होगा इस पॉइंट के बिलो होगा, ठीक है। सो द लाइट फ्रॉम एंटायर अपर हाफ पोर्शन, जो कि अपर हाफ पोर्शन में जो पार्ट डिवाइडेड है, तो उसकी वजह से जो लाइट फ्रॉम एंटायर अपर हाफ पोर्शन ऑफ द वेव वेव फ्रंट दैट रीचेस टू पी डैश, देन द रिजल्टेंट ड्यू टू दिस, जो इस अपर हाफ की वजह से जो इस पी डैश पे रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू वन हाफ ऑफ वन हाफ टू दैट ड्यू टू फर्स्ट हाफ पीरियड स्ट्रिप, यानी कि एम वन बाई टू। फर्स्ट हाफ पीरियड स्ट्रिप की वजह से जो हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा था दैट इज एम वन, उसका क्या होगा हाफ होगा, ठीक है। सो एम वन बाई टू होगा इस अपर हाफ पोर्शन की वजह से, ये जो अपर हाफ पोर्शन जो हमें मिलेगा, जो स्ट्रिप डिवाइड हुई अपर हाफ पोर्शन एंड लोअर हाफ पोर्शन में इस पी पॉइंट पी डैश पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इस अपर हाफ की वजह से हमें जो इस पी डैश पे रिजल्टेंट मिलेगा वो फर्स्ट जो स्ट्रिप है फर्स्ट हाफ पीरियड स्ट्रिप जो है उसका हाफ मिलेगा, दैट इज एम वन बाई टू, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स विद इन द लोअर हाफ पोर्शन ऑफ द पीरियड स्ट्रिप, लोअर हाफ पोर्शन ऑफ दिस वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट की जो लोअर हाफ पोर्शन में जो नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि ओ ओ डैश ओ डैश और ये क्या है ओ पॉइंट है, तो ओ डैश ओ वाले जो हाफ पीरियड स्ट्रिप्स हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, दैट विल डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द पॉइंट पी डैश, ठीक है, पोजिशन ऑफ द पी डैश की पोजिशन पे डिपेंड करेंगे। तो सपोज द लोअर हाफ पोर्शन कंटेन्स ओनली वन हाफ पीरियड स्ट्रिप, अगर ये लोअर हाफ पोर्शन जो है इसके पास केवल वन हाफ पीरियड स्ट्रिप है, देन एम्पलीट्यूड ड्यू टू इट, तो तब इसकी वजह से अगर इस लोअर हाफ पोर्शन में केवल एक हाफ पीरियड स्ट्रिप है, तो इसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड होगा पी डैश पे वो केवल क्या होगा एम वन, ठीक है, ठीक है। और जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा इस पी डैश पे, टोटल एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा अपर हाफ पोर्शन की वजह से और लोअर हाफ पोर्शन की वजह से, ठीक है। तो इस अपर हाफ पोर्शन की वजह से जो पी डैश पे एम्पलीट्यूड आया था वो आया था एम वन बाई टू, और लोअर हाफ की वजह से जो एम्पलीट्यूड आया था वो आया था एम वन, ठीक है। तो इन दोनों का सम होगा रिजल्टेंट पी डैश पे, ओके। सो ये जो रिजल्टेंट होगा दिस इज द पोजिशन ऑफ हाफ फर्स्ट मैक्सिमम, ठीक है, दिस इज द पोजिशन, यानी कि ये जो एम वन बाई टू प्लस एम वन जो होगा वो होगा पोजिशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम जो है हमने इसमें निकाल लिया, ठीक है। अब हमें ये हम देखेंगे कि अगर ओ डैश ओ जो है ओ डैश और ये ओ है, ठीक है, ये ओ पॉइंट में लिखना भूल गया, ओ डैश ओ, दिस कंटेन्स टू थ्री फोर एटसेट्रा हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, अगर ये जो है इसके पास टू थ्री या फोर या और सो ऑन हाफ पीरियड स्ट्रिप्स हों, तो तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा इस पी डैश पे तब कितना होगा, तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है हम सिमिलरली लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा, ये मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है सब कुछ, आप इसमें से देख सकते हो, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, अगर ओ डैश ओ जो है दिस कंटेन्स टू थ्री फोर एटसेट्रा हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी डैश इज गिवन बाई M1 by 2 plus M1 minus M2, देखो M1 by 2 plus M1, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर जो है इट कंटेन्स टू हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, तो ये इसकी वजह से आ गया माइनस M2, ठीक है। ऐसे ही इट कंटेन्स थ्री हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, तो ये आ जाएगा M1 by 2 plus M1 तो है ही, माइनस M2 भी है ही, प्लस M3, ठीक है। फिर तीसरा अगर अगर फोर हो हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, तो आ जाएगा एम वन बाई टू
प्लस एम वन माइनस एम टू इतना तो है ही, प्लस एम थ्री ये भी है ही, और एक आ जाएगा माइनस एम फोर. ओके, तो द पोजिशन ऑफ पी डैश, तब जो पोजिशन होगी पी डैश है, जो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये क्या हमें बता रहे हैं, दीज आर दी पोजिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम. ये जो है ये वाली, ये पोजिशन है फर्स्ट मिनिमम की, एम वन बाई टू प्लस एम वन माइनस एम टू. और अभी हमने देखा फर्स्ट मैक्सिमम की पोजिशन जो थी वो क्या थी, एम वन बाई टू प्लस एम वन. ठीक है, और फर्स्ट मिनिमम की पोजिशन आ गई, फर्स्ट मिनिमम की पोजिशन है वो आ गई ये. ठीक है, सेकेंड मैक्सिमम की पोजिशन है ये वाली, एम वन बाई टू प्लस एम वन माइनस एम टू प्लस एम थ्री. ठीक है, तो ये सेकेंड हाफ सेकेंड मैक्सिमम की जो है पोजिशन आ गई. ठीक है, एंड पोजिशन ऑफ सेकेंड मिनिमम, पोजिशन ऑफ सेकेंड मिनिमम ये वाली आ गई. ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पोजिशन ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम ये मिलते रहेंगे. ओके, अगर हम जो है ओ डैश वो को ये माने टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे हाफ पीरियड स्ट्रिप्स इसमें ये कंटेन करेगी अगर. ओके, सो हम कह सकते हैं कि एट पॉइंट पी डैश अ मैक्सिमम और अ मिनिमम इज फॉर्म अकॉर्डिंग एज ओ डैश ओ कंटेन्स ऑड और इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स. तो जैसे जैसे ओ डैश जो है, ओ डैश ओ जो है वो कंटेन करेगा ऑड या इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, तो वैसे वैसे जो है वो हमें मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो फॉर्म होते मिलेंगे इसके, मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो बैंड्स मिलेंगे. ओके, सो अगर हम इस पी से पी डैश की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा जो है हमें, अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा हमें मिलेंगे. ओके, पी डैश से पी की तरफ, पी से सॉरी पी डैश की तरफ अगर हम चलेंगे तो हमें अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि पहले मैक्सिमा मिलेगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, इस तरीके से पहले फर्स्ट मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, फिर थर्ड मैक्सिमा, फिर थर्ड मिनिमा, इस तरीके से हमें मिलेगा. सो एज वी हैव सीन दैट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ दीज मैक्सिमा एंड मिनिमा, अब हमने ये भी देखा कि मैक्सिमा और मिनिमा के जो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी है ये कंपेरेबल है, कंपेयर कर सकते हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर एक का टू है तो एक का क्या है थ्री है माना सपोज, तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो जब इनमें डिफरेंस नहीं है तो इंटेंसिटी में भी कैसे डिफरेंस होगा. ठीक है, तो इंटेंसिटी में डिफरेंस नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो बैंड्स बनेंगे ये पुअर कॉन्ट्रास्ट के बनेंगे, पुअर कॉन्ट्रास्ट के. ठीक है, ओके, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा में हम ज़्यादा अंतर नहीं निकाल सकते हैं कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है. हम लिख तो रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा, बट हमें ये नहीं, हम ये इसको हम जो है क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है. मतलब इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज हैं वो कंपेरेबल हैं. ओके, सो इफ़ द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, अगर जो पॉइंट है पी डैश जिस पे कि हम मान रहे थे कि रिजल्टेंट इस पे निकालना है, अगर ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जो है एक सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस पे हो पी से जो है पी डैश जो है काफ़ी डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है अगर, ठीक है, देन क्या होगा, एंटायर हाफ अपर हाफ एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीरियड स्ट्रिप्स ऑफ द लोअर हाफ आर एक्सपोज्ड. ठीक है, तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेंगे, हाफ पीरियड स्ट्रिप्स अपर हाफ की वजह से भी लोअर हाफ की वजह से भी. देन द डिफ्रैक्शन बैंड्स मर्ज टुगेदर टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन. जो डिफ्रैक्शन बैंड्स होंगे वो मर्ज हो जाएंगे आपस में एंड दीज प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन. सो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इन दिस केस, तो इस समय जो एम्पलीट्यूड होगा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पे वो कितना होगा, एम वन बाई टू प्लस एम वन बाई टू इक्वल्स टू एम वन. ठीक है, और इंटेंसिटी क्या होगी, एम वन स्क्वायर, क्योंकि एम वन का स्क्वायर होगा. ठीक है, क्योंकि एम वन जो है हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एम वन आ गया, तो इंटेंसिटी जो है आपको पता है प्रोपोर्शनल टू होते हैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एम वन स्क्वायर जो है इंटेंसिटी आ गया. उसके साथ कुछ भी एक कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, बट हम यहाँ पर उस कॉन्स्टेंट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. तो ये है, तो इस तरीके से हमने देखा कि डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज जो है हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम
क्या देखेंगे, ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है, मैक्सिमम और मिनिमम इनकी पोजीशंस देखेंगे हम, ठीक है। इनकी पोजीशन इनकी कैसे निकालते हैं, इनकी पोजीशन जो है जैसे हमने और जगह पे भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम की पोजीशन निकाली थी, वैसे ही हम ये देखेंगे। और इंटेंसिटी वेरियस पोजीशंस पे जो इंटेंसिटी है वो कैसे है, इंटेंसिटी एट द एज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो, ठीक है, और इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन साइड ज्योमेट्रिकल शेडो, ये सब हमने इसमें देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए जो है इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।